तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इट्स आगम मिश्रा एंड आई होप बढ़िया होंगे। तो अभी हम ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और आई होप वीडियो आज की बहुत मज़ेदार होने वाली, बहुत मज़ेदार। तो प्लीज़ एक भी शॉर्ट्स को आप मिस मत करिएगा। ओके, आज हम दिखाने वाले हैं फार्मिंग कैसे होती है, थोड़ा बहुत दिखाएंगे कि हमारे पिताश्री जो हैं कैसे फार्मिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। ओके, तो इधर ट्रैक्टर पूरा सेट हो गया है जोतने के लिए। इधर पापा हमारे खड़े हुए हैं, पर भाई चला रहा है, छोटा भाई। तो अब ये ट्रैक्टर जा रहा है खेत में, तो पहले खेत को जोतेगा, पहले उसके ऊपर डाली जाएगी खाद, फिर खेत को जोतेगा। चलिए आपको उधर ही दिखाते हैं पूरा अच्छे से। अभी हम लोग चलने वाले खेत में। इट्स डे टू। उस दिन मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया था, तो रात भी हो गई थी, तो ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं किया। अभी मैं दोपहर का टाइम हो रहा है, जस्ट अभी सो के उठा, तो मैं सो के थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर ले। अभी ट्रैक्टर भी चल रहा है, उधर आ रहा है, उधर से घूम के थोड़ा बाहर से रोड की तरफ से, तो उधर की थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं, उसकी भी दिखा देते हैं एग्रीकल्चर कैसे होता है। पहले मतलब बरसीन वरसीन बोई जाएगी, जो शीट्स हैं वो फेंकी जाएंगी बरसीन की, फिर वो ग्रो होंगी एक समय के बाद, दिखाते हैं। अभी तो ट्रैक्टर फिट हो रहा था, ट्रैक्टर फिट हो गया है, अब वो जाएगा खेत में घूम के, उधर दिखाते हैं वो भी थोड़ा बहुत आपको। स्टे ट्यून्ड विद मी। सामने ट्रैक्टर, अंदर आने के लिए उसका बना रहे हैं, तो बाउंड्री लगी हुई है उसी की बना रहे हैं अंदर लाने के लिए। खाद ऐसे थ्रो की जा रही है, फिर उसके बाद खाद को थ्रो की जा रही है, थ्रो की जा रही है, ट्रैक्टर चलेगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर बेहन डाली जाएगा। बेहन डालने के बाद फिर ट्रैक्टर चलेगा पूरा, तो इसके बेहन को ऊपर नीचे कर दे के बराबर करके ज़मीन के नीचे आ जाएगा, और ढेर सारे पत्ते हैं जो अच्छा खासा फर्टाइल का काम करेंगे, तो नीचे सड़ने के बाद बहुत अच्छा सॉइल का काम करेंगे। इसमें देखिए ऐसे थ्रो किया जा रहा है, ट्रैक्टर तैयार हो रहा है जो सब काम करने वाला है। अब देखिए चलने वाला है, स्टार्ट किया जा रहा है। ये ऐसे होगा, मैं टाइम लैप लगाता हूँ, फिर आप देखिए मज़ा आ जाएगा देख के आप लोग को। ये थोड़ा बहुत टाइम लैप्स है जो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया हुआ आप लोग के लिए, क्योंकि वीडियो में इतनी लंबी नहीं दिखाया जाता है कि पूरा कैसे खेत को जोता जाता है, वैसे हम पूरा शो नहीं करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा आपको टाइम लैप शो कर दिया है। तो अभी अपन चलते हैं घर, क्योंकि बड़ी देर इधर खड़े हुए हैं, अब इधर काम बहुत देर तक चलेगा, और तो घंटे घंटे तक चलेगा, तो चलते हैं घर। घर पे बैठते खड़े रह रहे तो भाई पैर दर्द होने लगा, इतनी वीडियो बनानी थी अपन ने बना ली है, तो बहुत अपनी अमरूद की बगिया में, अमरूद की बगिया से चलते हैं अंदर घर और वीडियो एडिट करते हैं, ताकि आज या कल में मतलब जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दें, कि मैंने शायद 12 या 10 या 12 दिन पहले एक वीडियो डाली हुई थी, उसके बाद से वीडियो नहीं डाली, तो एक वीडियो डाल देते हैं, है ना। चलिए इसी बात पे ब्लॉग को करते हैं एंड, और आई होप आप लोग को वीडियो देखने में मज़ा ही होगी। बाकी आप लोग को जो भी दिक्कत हो रही है वीडियो में देखने में, मतलब भैया वीडियो की क्वालिटी नहीं अच्छी है, या मैं
जो चीज़ें आपको जो आप लोग देखना चाहते वो नहीं दिखा पा रहा था, मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए, तो मैं वैसे आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके तो बाय बाय, इतनी देर तक पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू जो जो देख रहा है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, पीकॉक इधर डांस कर रहा है तो बहुत तगड़ा सा सीन है, अगर मैं उसको कैप्चर कर पाता हूँ तो लास्ट के एंड में डाल दूंगा। ओके देखिए, वो देखिए ध्यान से देखिए, वो उसने अंदर कर लिया शायद मुझे देख के, पवन की किस्मत ख़राब है, उसने अपने को देखा और अंदर कर लिया। कोई नहीं, वापस बोल रहा भाई, ये देखो, ओए होए होले, क्या सीन है ब्रो, मतलब नसीब में है अपन के, थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करते हैं, अपने को देख के चला जा रहा है। कोई नहीं, शायद दोबारा खोलेगा, देखते खुलता है कि नहीं। अरे अपनी गाड़ी भी निकली हुई है सफारी, और ये भी निकल आई हुई है अंदर, गाय का बच्चा। हेलो, कैसे हो? हेलो, सही कैमरे दम वो हो गई है, यूज्ड हो गया पूरा दम है। गैराज, लेकिन इधर हर एक चीज़ पड़ा हुआ है, ये ठेसर पड़ा हुआ है जो मड़ाई में काम आता है, गेहूं और चावल का, धान को जो निकालता है पूरा अलग करता है वो उसका है। और ये दूसरी बाइक खड़ी हुई है जो पापा की है, पापा यूज़ करते हैं वाली। हाँ, कि इधर चारे वाली मशीन है, इधर अंदर भूसे वाली है, और वो उधर गेहूँ और जब वो निकलता है तो ये जो उसमें से अलग करने का होता है पंखा, और पूरा अपना पुराना वाला ट्रैक्टर आइशर का, और इधर चक्की भी है। ये रही चक्की, मतलब अपन के पास सारा जुगाड़ है, हर एक चीज़ है, ओपन किया हुआ है। पूरी कोशिश करूँगा पास जाके उसकी वीडियो बनाने की। लेट्स सी, जा पाते हैं कि नहीं। आपको दिख तो रहा होगा, तो अपना फेस टर्न करे तो जाए किधर। वो देखिए, फेस टर्न किया। अपन थोड़ा सा बैठ के फिर चलते हैं उधर, तभी देखने को मिलेगा। ओहो, ओ फक, उसने देख लिया अपने को। कोई नहीं, नसीब में नहीं है, कोई नहीं, चलते हैं अभी। इधर गाय भैंस उधर है, वो भी दिखाते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे बस। ये गाय भैंस, गाय है वो, भैंस है बैठी हुई है, थोड़ा बहुत मतलब 3-4 गाय भैंस ही है, बाकी ज़्यादा नहीं। उसके पास नहीं जाएंगे, जान पहचान नहीं हमारी इससे, पता चला उठा के फेंक देता उधर, तो चलिए चलते इधर से। एक बच्चे दो डो हैं, बहुत क्यूट है, आपको दिखाया होगा पहले, आप देखे होंगे इस शॉर्ट से पहले, आपने देखा होगा, फिर दिखाता हूँ भाई, क्यूट है बस यार। क्यूटी पाइज, क्यूटीज, दोनों दोस्त हो गए। क्या क्यूट लग रहे हैं भाई।